So, very good morning once again everyone, and we start our class. We are discussing about 11.2, how to calculate profit percentage and loss percentage. And yesterday we have discussed up to question number 6. Question number 6 तक हम लोग ने कल discuss कर चुका है. तो up to question number 6 अगर किसी को कुछ भी doubts है तो बता सकते हो, और बाकी हम लोग तो डिस्कस करेंगे ही जो भी बाकी बचे हुए हैं उस सब के बारे में. तो स्टिल अप टू द टॉपिक्स वट एवर वी हैव डन टिल नाउ, सो इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट्स प्लीज आस्क, देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देन फाइंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज वी आर डूइंग. Finding profit and loss percent. So this is the topic which is going on, and we are discussing about the questions from exercise 11.2. 11.2. Okay, what I can see is IOC don't have any doubts, Isa don't have any doubts, Vidya no doubts, Nitish no doubts. So okay, very nice. Let us discuss about the ME, some questions related to ME, miscellaneous exercise. So, ME का first question हम लोग discuss करते हैं. When the loss on selling a watch for this, when the loss on selling, when the loss on selling a watch, एक वॉच सेल करके जब लॉस फॉर रुपीज 1285 इज रुपीज 265, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच इज, द कॉस्ट प्राइस of the watch is, how much is the cost price when the loss on selling a watch for this is this. So means loss amount is given this much, and when the loss on selling a watch for this, so this is the selling price given, and you have to find the cost price of the watch. So let me see who can answer this. I got answers from Isa Luharika. Isa, okay. Anyone else? कोई और बता सकते हो? It's very simple. Here SP is given, which is rupees 1285, and loss amount is given, which is rupees 265. So selling price and loss is given, you have to find the cost price, that's all. So आपको cost price निकालना है. तो कैसे निकाल सकते हैं? मान लो कोई चीज आप एक पर्टिकुलर अमाउंट में परचेज करके इतना रुपया लॉस से उसको सेल कर दिए हो, तो आई मीन कोई अमाउंट, कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट में परचेज करके इतना रुपया में सेल की हो जिससे आपको ये लॉस हुआ है, इतना लॉस हुआ है, तो आपको कॉस्ट प्राइस कितना होगा?
इसको रिलेट करके एग्जांपल्स के साथ रिलेट करके अगर बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो, या तो फॉर्मूला पुट करके बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। फॉर्मूला हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इसको रिलेट करते हैं एग्जांपल से। ठीक है, मान लेते हैं ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने जो है सेल किया है 120 रुपीज में, 120 रुपए में मैंने इसको बेचा है, और 120 रुपए में बेचने के बाद भी मेरा जो लॉस हुआ है वो 30 रुपया हुआ है। ठीक है, सो ये मार्कर मैंने 120 रुपया में सेल किया है, उसके बाद भी हमारा लॉस जो है वो 30 रुपया लॉस में बेचा है मैंने, तो मेरा कॉस्ट प्राइस इसका मतलब कितना था ये मार्कर का? तो डेफिनेटली आप बोलोगे इसका मतलब 120 और 30 150 रुपया। तो आपने 150 रुपया में ये मार्कर खरीदा होगा और उसको 120 रुपये में बेच दिया होगा, इसीलिए मेरा 30 रुपया का लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिंपली हम लोग ऐड करके निकाल सकते हैं, एग्जांपल से रिलेट करके हम लोग ने इसको देखा। अब फॉर्मूला पे जाते हैं, हम लोग जानते हैं लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है। ठीक है, तो लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे एज इट इज रहने देते हैं, ये सेलिंग प्राइस को हम इस साइड लेके आ जाते हैं, तो इस साइड नेगेटिव में है, इस साइड पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला जो होगा वो होगा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ठीक है, तो वही चीज हम लोग ने यहाँ पे भी किया था, दोनों को ऐड कर दिया था, सेलिंग प्राइस और लॉस को। तो उसी तरह से हम लोग भी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो और जो कॉस्ट प्राइस है वो उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग ने जो एग्जांपल से समझा और फॉर्मूला भी हमने देखा। ठीक है, तो चलिए हम इसको अभी ऐड करते हैं और चेक करते हैं हाउ मच इज द आंसर। सो रुपीज 1285 प्लस 265। आप इसको अगर ऐड करोगे तो होगा 5 + 5 = 10, 0, 1 कैरी, सो 8 + 1 = 9, 9 + 6 = 15, 9 + 6 = 15, 15 = 5, 1 कैरी, सो 3 + 2 = 5, 5, 1। सो जिनका भी आंसर 1550 है वो सही आंसर है। यस, मैंने अगर मैं देखूं यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है, वेरी नाइस। ईसा लोहारिका ने सही आंसर दिया है, फिर युवराज ने दिया है, अभिज्ञान, ओके, रवि रंजन, ईसा, देन विद्या, विद्या 1350 मिल गया आपका। आपने क्या कर दिया, नहीं होगा, 1550 ही होगा। एक बार डू वन क्रॉस चेक विद्यावानी, ओके। सो दिस इज हाउ वेरी सिंपली आप लोग अगर लॉस दिया हुआ रहे तो जो कॉस्ट प्राइस है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, यस। सो यहां पे हमारा ऑप्शन ए है जो कि जिसमें 1550 है, विच इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। सो क्विकली लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन विच वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज द क्वेश्चन वेयर इट इज आस्किंग व्हेन द प्रॉफिट पर सेल, व्हेन द प्रॉफिट परसेंटेज on selling a toy, for rupees 400, is 11.1/9%. So the cost price of the toy is, so the cost price of the toy is,
So how much will be the cost price? So here the profit percentage is given and cost price is given. And on selling a toy, so selling price is given 400. And this is the profit percentage given. You have to find the cost price. So here we will see selling price is equal to 400, profit is equal to 11.1 by 9%, means 9 11 99 plus 1 is 100. So 100 divided by 9%. So to solve this question there are several processes. So we'll see one by one on the processes through which we can solve. So first process which we will follow is the process which we are aware about till now. So first, here selling price is given, profit is given. So now let us consider cost price is equal to x. मान लेते हैं cost price जो है वो x है, ठीक है? So what will be the profit? Because here profit is not given, here profit percentage is given. Okay, so यहाँ पे profit percentage दिया हुआ है, percentage इतना दिया हुआ है, so cost price का इतना percent जो है profit. तो profit will be का profit जो ये हो जाएगा 100 by 9% of x, ठीक है? So 100 by 9% of x. तो 100 by 9% means 100 by 9 divided by 100, क्योंकि हम लोग लिखते हैं 40% का मतलब लिखते हैं 40 by 100. तो उसी तरह से 100 by 9% means 100 by 9 divided by 100 of x, ठीक है? अब इसको डिवीजन को अगर चेंज कर दो तो मल्टीप्लाई में तो ये 1 by 100 हो जाएगा, ठीक है? तो हमारा अभी जो ये बचेगा इस तरह से बचेगा 100 by 9 multiply 1 by 100 into x. तो ये 100 100 कैंसिल हो गया, तो हम लोग का बचेगा x by 9. सो x by 9 इज द प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हम लोग का x by 9 होता है. तो अगर हमें प्रॉफिट मिल गया तो अब हम लोग जो है ये निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि कॉस्ट प्राइस हम लोग को पता है और प्रॉफिट भी पता है. तो इसका हेल्प से हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं. तो सेलिंग प्राइस इज द कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कॉस्ट प्राइस हम लोग ने एक्स कंसिडर किया है प्लस प्रॉफिट हम लोग का निकला है एक्स बाय नाइन. सो 9x + x = 10x डिवाइडेड बाई 9. दिस विल बी द सेलिंग प्राइस. सो अब हम लोग के पास सेलिंग प्राइस 10x / 9 निकलता है जब कॉस्ट प्राइस x होता है. और हमारे सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे एज पर क्वेश्चन सेलिंग प्राइस 400 दिया हुआ है, ठीक है? सो हम लोग यहाँ पे इस तरह से फिर लिखेंगे और कि इट इज गिवन दैट द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 400. Okay, so given selling price is equal to 400 rupees. So therefore, this is equal to 400. 10x by 9 is equal to 400. So 10x by 9 is equal to 400. So 9 इधर multiply हो जाएगा, 10 इधर divide हो जाएगा. So x will be 400 multiply 9 divided by 10. So 4 9 36 00 cancel. So x is equal to 360. So इस तरह से the value of x is 360, means हम लोग ने cost price consider.
कंसिडर किया था दैट विल बी 360 रुपीज। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग ने एक्स कंसिडर करके निकाला, ठीक है। उसके अलावा फॉर्मूलाज भी है, तो लेट्स सी हाउ कैन वी डू विद द फॉर्मूला। फॉर्मूला जो होता है टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस, दैट इज सीपी, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। तो अब इसमें आप सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का वैल्यू पुट करोगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। हमारा जो प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट निकला तो दिया हुआ था, वो था 100 डिवाइडेड बाय 9, राइट, ये दिया हुआ था, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ था 400, ठीक है, एसपी दिया हुआ था 400। तो अगर इसमें पुट करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 100 बाय 9, 100 बाय 9 मल्टीप्लाई 400, तो आप इसको कंसिडर करेंगे 9 मल्टीप्लाई 100 इज 900 प्लस 100 1000, और 9 को डायरेक्टली हम लोग यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नीचे हम लोग का बच जाएगा, ये यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 900 यहां पे पहले हम लोग करके करेंगे, तो 9 इंटू 100 इज 900 प्लस 100 इज 1000, तो 1000 यहां पे बचेगा, 9 इंटू 9 यहां पे था, ये आगे यहां पे मल्टीप्लाई हो गया, तो 900 बाय 1000 हो गया, मल्टीप्लाई यहां पे 400, तो 2020 कैंसिल, 1010 कैंसिल, 4936360 आ गया। तो आपको जो भी अच्छा लगे, अगर फॉर्मूला वाला इजी लग रहा है ये भी कर ले सकते हो, कंसीडर करके करना है तो इससे पहले वाला प्रोसेस से भी कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, ओके। व्हिच इज फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस एंड लॉस इज गिवन, दीज आर द वेरी इजी क्वेश्चंस वेरिन टू थिंग्स आर गिवन, वन इज सेलिंग प्राइस एंड लॉस। सो ये तो बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस सीपी व्हेन, जब एसपी इज गिवन रुपीज 265 एंड लॉस इज गिवन रुपीज 25। सो आपको यहां पे कॉस्ट प्राइस निकालना है, बहुत ही इजी है। क्विकली टेल मी द कॉस्ट प्राइस एवरीवन, जल्दी से कॉस्ट प्राइस बताएं। यहां पे सेलिंग प्राइस और लॉस दिया हुआ है, आपको कॉस्ट प्राइस बताने हैं। क्विकली टेल एवरीवन अबाउट द कॉस्ट प्राइस, ओके। So when the selling price and loss is given, how can we find out the cost price? जब कोई भी चीज का selling price दिया हुआ रहता है और loss दिया हुआ रहता है, तो हम लोग कैसे cost price निकाल सकते हैं? CP, cost price। तो अभी अभी हम लोग ने एक इसी तरह का question देखा, जहां पे selling price दिया हुआ था और loss दिया हुआ था, तो cost price निकाला था, right? जस्ट एड करके निकाला था, ठीक है, क्योंकि हम लोग का लॉस का फॉर्मूला जो होता है, लॉस का होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो सॉरी लॉस का जो होता है, लॉस के सेम में हम लोग का कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है, तो इसीलिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हम लोग का जो है सेलिंग प्राइस इधर आके ऐड हो जाता है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सो सेलिंग प्राइस हमारे पास यहाँ पे है 265 रुपीज प्लस 25 रुपीज, सो हाउ मच इट विल बी, कितने हो जाएंगे? हियर
इट विल बी रुपीज 5 + 5 = 0, डायरेक्टली हम एड कर दे रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस. सो थर्ड क्वेश्चन इज आस्किंग सेलिंग प्राइस इज गिवन विच इज 328 प्रॉफिट इज गिवन. प्रॉफिट इज गिवन रुपीज 6.50. सो सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट इज गिवन. यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस सीपी. सेलिंग प्राइस दिए हुए हैं, प्रॉफिट दिए हुए हैं, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है. बहुत ही इजी है क्योंकि हम लोग का प्रॉफिट के केस में हम लोग को पता है कि प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है इसका मतलब प्रॉफिट के केस में हम लोग का सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है. तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है. तो अगर यहां पे कॉस्ट प्राइस को निकालना है तो कॉस्ट प्राइस को अगर इधर लेके आ जाते हैं तो प्रॉफिट इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो यहां पे कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट. तो अगर आप सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करोगे यहां पे तो दिस माइनस दिस, सो देयरफॉर प्रॉफिट सॉरी देयरफॉर कॉस्ट प्राइस और सीपी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 328. सो 328.50 माइनस 6.50 दिस मच ऑफ रुपीज. अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 0.0. ठीक है, सो 6.78 2 2 ओके एंड 3 2. सो दिस मच ऑफ रुपीज विल बी द कॉस्ट प्राइस. सो 322 रुपीज इज कमिंग. सो हूएवर आंसर इज 322 रुपीज देयर आंसर इज करेक्ट. वो लोग का आंसर सही है जिसका भी आंसर ये आया है 322 आया है. ठीक है,